नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कल की कक्षा में अपन ने साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ा था। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और उसके बारे में देखेंगे कि इसमें साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न या फ्रैक्शन नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन किस टाइप से होते हैं, इसी के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, इसी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं मिश्र भिन्न। ये मिश्र भिन्न क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए जैसे कोई नंबर है मेरे पास एक सही एक बटे वाला दो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, जो अपने पास ये वाला नंबर है इस वाली साइड का बाहरी तरफ से जो नंबर है, ये वाले के नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है एक इंटू दो, और जो ऊपर वाला नंबर है उसके साथ इसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक इंटू दो प्लस एक, और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में ऐसा वैसा ही कॉपी कर दिया जाता है। तो ये बन जाता है एक इंटू दो दो, दो प्लस एक तीन, तीन बटे वा दो। इस टाइप से कोई भी अपने को मिक्सचर नंबर दे दिया जाता है तो उस मिक्सचर नंबर का सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में उस टाइप से अपन चेंज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, कुछ ऐसे और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन इसी के साथ। चलिए देखिए, कुछ मिक्सचर नंबर ले लेते हैं अपन। जैसे है अपने पास एक सही तीन बटे व पाँच, एक मिक्सचर नंबर ये है। फिर और ले लेते हैं तीन सही दो बटे व पाँच, और नौ सही दो बटे व तीन। ये अपन ने तीन नंबर ले लिए, इनके सोल्व करके देख लेते हैं साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। पाँच इंटू एक, एक इंटू पाँच या पाँच इंटू एक, जो ऊपर है उसको प्लस करना है। ऊपर क्या है, प्लस थ्री, जो डिनोमीटर में है उसको ऐसे कैसे कॉपी कर देंगे। था ऐसे कि इस वाले नंबर को डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करना था और न्यूमरेटर को इसके साथ ऐड करना था, यही था एक इंटू पाँच प्लस तीन बटे व पाँच। ठीक है, तो आ जाता है, जो देख लीजिए इनको सोल्व कीजिए, एक इंटू पाँच पाँच प्लस तीन आठ, आठ बटे व पाँच। ये हो गया मिक्सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर गया। इसको देखिए यहाँ से तीन सही दो बटे व पाँच, तीन सही दो बटे व पाँच को चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसका डिनोमेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तीन इंटू पाँच, और ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ इसको ऐड कर दिया जाएगा, अंश के साथ इसको जोड़ लिया जाएगा। तो तीन इंटू पाँच प्लस दो बटे व पाँच, ये सिंपल सा इतना हो गया मिक्सर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तीन इंटू पाँच पंद्रह प्लस दो सत्रह बटे व पाँच, हो गया सोल्व। ऐसे इसको देखिए नौ इंटू तीन, और न्यूमरेटर को इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा प्लस दो न्यूमरेटर बटे व तीन, नौ तीन सत्ताईस और दो उनतीस बटे व तीन। ये इस टाइप से यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। अब अपन समझ गए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया अपन ने, अब देखते हैं अपन इसी के बाद का, जो अपन ने देखा था बोर्ड मास में अंदर, इसी को इसका जो इसको भी अपन रख कर लेते हैं। बोर्ड मास के अंदर अपन ने चेक किया था, बोर्ड मास जो था अपना रूल, बोर्ड मास के अंदर अपने ने देखा था कि ये ऑफ जो है ये क्या होता है। इस ऑफ के बारे में अपन ने बातचीत की थी। ये ऑफ का मतलब होता है का, का मतलब देख लेते हैं अपन, इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं किस टाइप से ये का जो है बार बार प्रश्नों के अंदर आता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स हूँ, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे ये लिया सत्ताईस का एक बटे वन तीन, तो ये का होता क्या है और इसको सोल्व कैसे करते हैं। और देखिए और इसके साथ ही अठारह का एक बटे व तीन, अट्ठाईस का तीन बटे व सात। इस टाइप से मैंने कुछ दो तीन प्रश्न लिख लिए या दो तीन छोटे छोटे से नंबर लिख लिए, इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात अपन ने बात की का मतलब होता है ऑफ। इसको अगर इंग्लिश में लिखा जाता तो ये होता 1/3 of 27 या एक बटे व तीन का 27, ऐसे इंग्लिश में ये रिवर्स में लिखा जाता। देख लेते हैं यहाँ पे, इस ऑफ की जगह पे गुणा का निशान लगाना है, बस इतना ही अपने को करना है। ऑफ की जगह पे क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है। 17 का की जगह पे गुणा का निशान एक बटे व तीन, तीन एकम तीन, तीन नम 27, तो ये आंसर नो। यहाँ देखिए 28 का की जगह पे अपन ने गुणा का निशान लगा दिया, तीन बटे व सात, सात एकम सात, सात चौक अट्ठाईस, चार इंटू तीन 12। ठीक है, इसको देख लीजिए 18 का की जगह पे अपन ने गुणा का निशान लगा दिया,
एक बटे व तीन, एक बटे व तीन है तो तीन एकम तीन, तीन छः 18, एक इंटू छः ये आ गया 6। इस टाइप से अपन का को सोल्व करते हैं। अब अपन देखते हैं फ्रैक्शन नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो आ जाए तो उनका सॉल्यूशन, ठीक है, उनका सॉल्यूशन किस टाइप से किया जाता है उनके बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं फ्रैक्शन नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन या सिंप्लीफिकेशन के लिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, तो फ्रैक्शन नंबर के साथ जो भी अभिग्रह दिए जाएगी फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, का मतलब हो गया जो भी संक्रियाएं फ्रैक्शन नंबर के साथ दी जाएगी या तो जोड़ की हो या बाकी की हो या गुणा की हो या भाग की हो उनको कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में तो देखते हैं। कुछ अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ प्रश्न ले लेते हैं, उसके साथ ही समझ पाएंगे इनको। 5/2 प्लस माइनस 3/4 ये प्रश्न मैंने 7th क्लास और 8th क्लास की बुक से निकाले हैं, ठीक है, देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे क्या होता है। देखते हैं अपन 5/2 प्लस माइनस 3/4 यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस 3/4 है तो माइनस का मल्टीप्लाई, इस माइनस का मल्टीप्लाई क्या करेंगे अपन, इस प्लस के साथ होगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ होगा तो ये पूरा कंटेंट किस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस के नंबर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3/4 बस ये इसका सिंप्लीफाइड करना है, इसको सोल्व करना है अपने को। देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, ये दो ही पद है, एक पद दो पद, ठीक है, दो पद है तो दो पद में अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है तो उनका डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए, या तो सोल्व करने का दो से ज्यादा पद हो तो उनका नीचे जो डिनोमिनेटर में संख्या है हर में जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, अगर दो ही नंबर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से सोल्व कर लेंगे। देखो यहां से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जो बीच में निशान है वो ऐसा कैसे ही रहेगा और नीचे दोनों ही डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले नीचे दोनों ही डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 फिर इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 निशान जो था वो कब, निशान बीच में माइनस का था तो माइनस 2 × 3 तो ये 3 ऐसे कैसे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई। सोल्व कर लेते हैं इसको 5 × 4 20 माइनस 6/1 2 × 4 8 को सोल्व किया 20 में से 6 गए तो 14/8 इसको कट कर सकते हैं अपन 4 × 8 और 7 × 14 7/4 इस टाइप से इनको सोल्व किया जा सकता है। आगे देखिए एक और प्रश्न लेते हैं अपन, एक प्रश्न और ले लेते हैं अपन, जैसे एक प्रश्न है अपने पास 5 सही 2/3 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 4/5 माइनस 2 सही 4/5 इसको सोल्व करना है, करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले बातचीत करें, ये अपन ने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे हैं दोनों ही नंबर तो इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। पहले प्रश्न में मैंने जो सबसे पहले अपन ने इस वीडियो में बातचीत की थी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में ही बातचीत की थी, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं कर लेते हैं। 3 × 5 या 5 × 3 प्लस 2/3 जो निशान है निशान वो का वही 5 × 2 2 × 5 और इसको इसके साथ ऐड करना है प्लस 4/5 बस हो गया सोल्व। 5 × 15 और 2 17/3 माइनस 2 × 5 10 और प्लस में 4 14/5 अब सोल्व करने का वही प्रोसेस है जो पहले था। क्या करेंगे दो ही नंबर है तो क्या कर लेंगे अपन सीधा साइन को हर को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और अब ऊपर जो संख्या है उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व करेंगे उसको इस टाइप से कर लेते हैं उसको 17 का 5 से बोलिए 17 × 85 माइनस 14 का 3 से 42 ठीक है इस टाइप से कर लेंगे बस सोल्व करो 85 − 42 5 में से 2 गया तो ये बच गया 3 8 में से 4 गया तो 4/15 ठीक है कटता है तो कट कर दीजिए नहीं होता है नहीं कटता है तो बस ऐसे ही रहने दीजिए तो ये अपने पास आंसर आ गया इसका 43/15 ये यहीं से सॉल्यूशन हो गया। एक प्रश्न और लेते हैं ये तो दो दो पद वाले लिए थे जिसमें अपन ने क्या किया एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर दो से ज्यादा पद हैं अगर फ्रैक्शन नंबर में या भिन्नों में दो से ज्यादा नंबर हैं तो फिर उसको सोल्व करने के लिए अपन एलसीएम का यूज करेंगे और वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं नंबर है अपने पास -2/3 प्लस
माइनस फोर बाई फाइव प्लस फाइव बाई सिक्स, इस टाइप से कोई नंबर है अपने पास, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करेंगे इसके बारे में देखना है अपने को। चलिए कर लेते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले ये ब्रैकेट को हटाएं यहाँ से, माइनस दो बटे व तीन, माइनस का मल्टीप्लिकेशन इस प्लस के आगे वाले प्लस के साथ होगा। माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ किया तो क्या गया, एक माइनस और एक प्लस, दोनों का ही मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आएगा। एक प्लस और एक माइनस, इनका मल्टीप्लिकेशन भी होगा तो भी माइनस आएगा, या तो दोनों माइनस हो या दोनों ही प्लस हो, इनके मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो वो दोनों ही प्लस प्लस में आएंगे, ठीक है। एक माइनस और एक प्लस का मल्टीप्लिकेशन कभी भी करवाया जाएगा तो माइनस आएगा, ये माइनस आ गया। चार बटे व पाँच प्लस पाँच बटे व छः, चलते हैं। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं अपन, ठीक है। तीन चार और पाँच का एलसीएम ले लेंगे, तीन चार सॉरी तीन पाँच और छः का, तीन पाँच और छः, दो से करें सबसे पहले। तीन नहीं जाता तो ऐसे का सर, पाँच नहीं जाता तो ऐसे का सर, दो तीन छः, फिर तीन से एक, पाँच में नहीं जाता तो ऐसे कैसे, एक बार फिर पाँच से, बस एक 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 आ गया। कर लीजिए सॉल्व इसको, दो का तीन के साथ किया छः, छः का पाँच के साथ किया तीस, तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास, तीस आ गया। अब इस तीस का डिवाइड करेंगे इस तीन से, कितनी बार गया, दस बार, दस ऊपर वाला जो अंश है उसके साथ इस दस का मल्टीप्लाई करा दिए। चलिए निशान जो है वो का वो निशान फिर से माइनस है तो माइनस, तीस में डिवाइड किया पाँच से छः बार, चार इंटू छः प्लस, तीस को डिवाइड किया इस छः से पाँच बार में, पाँच इंटू पाँच, सॉल्व कर लीजिए। यह है अपने पास दो इंटू दस बीस, निशान किया था माइनस तो ये माइनस, चार इंटू छः चौबीस, निशान माइनस तो ये माइनस, प्लस पच्चीस और ये बटे वाले में तीस। अब चलिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ठीक है, दोनों ही संख्या वहां पे गुणा में थे इसीलिए एक माइनस और एक प्लस जो है माइनस हुआ, यहाँ पे दोनों ही माइनस में तो जुड़ जाएगी और निशान आगे माइनस का आ जाएगा। 20 और 24, 44 और पीछे वाला 25 बटे वहाँ 30, एक स्टेप और लिख देते हैं। अब एक माइनस और एक प्लस में है तो घटा लो और बड़ी संख्या का जो निशान है उसके आगे लगा लेते हैं, ठीक है। तो 44 में से 25 को घटा में यहाँ से घटाते हैं, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, बड़ी संख्या का निशान माइनस था तो ये माइनस और ये 30 हो गया। ये सॉल्यूशन इस टाइप से सॉल्यूशन कर, दो पदों की संख्या होगी तब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से, तब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से सोल्व कर लेंगे। अगर तीन पद वाली संख्या है, दो पदों वाली संख्या होती तो डायरेक्ट अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से उसको सोल्व कर लेते हैं, पर तीन पदों वाले नंबर आ रहे हैं अगर फ्रैक्शन नंबर में, साधारण भिन्नों में तीन पदों वाले संख्या आ रही है और जोड़ बाकी में है या एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो उनको अपन एलसीएम प्रोसेस से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। अब चलते हैं अपन आगे थोड़े से और, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा भी कुछ और निशान आते हैं, कुछ और साइंस होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन के साइन उनको कैसे सोल्व करेंगे, डिवाइडेशन के साइन तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, उनके बारे में अपन बातचीत करते हैं। तो देखते हैं, देखें अगला आगे अपन और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई है नंबर अपने पास 4 बाई माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाई 4, इस टाइप से हो, ठीक है। एक दो माइनस में आ रहे हैं, दो अपने पास एक ही पद है, एक ही पद को दो बार गुणा में लिखा हुआ है, पद तो एक ही है, जब तक प्लस या माइनस का निशान आके दूसरी संख्या नहीं स्टार्ट होती तब तक तो पद तो एक ही रहेगा। तो एक ही पद में दो बार माइनस आ रहे हैं, या तो यूं कहें अंश और हर में अलग अलग आ रहे हैं तो एक माइनस से एक माइनस कट कर दें, या एक ही पद में दो बार माइनस के निशान आ रहे हैं तो वो इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर के साथ, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर के साथ, आंसर इसमें क्या आ गया, प्लस वन आ गया। और देखिए और है 13 बटे व 15 इंटू 5, ऐसे करके है, इस 5 के नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, ठीक है। तो इसको सिंपली अपन सोल्व कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 थी 15, 13 बटे व 3, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा अपने पास। और कोई संख्या हो उसके बारे में देख लेते हैं, 15 बटे व 8 इंटू 5 बटे व 6 इंटू 21 बटे व 5, ये कोई नंबर है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं अपन, ये 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, और 3 से इसको कट करें
300 इसको कट कर लेते हैं, तो 3 दुना 6, 3 5 15, 2 से इसको कट करें, 2 चौक नहीं, 2 से कहां से कट करेंगे, अब तो संख्या है ही नहीं कट करने लायक, इस 8 को रहने दीजिए, 8 को रहने देते हैं। ऊपर क्या बचा, 21 × 5 बचा है, तो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ बचा है अपने पास 5 × 21 और नीचे बचा है अपने पास 8 × 2, बस सोल्व कर लीजिए इसका, 5 × 5 = 10, ठीक है, 8 × 16 कट होते हैं तो कट कर लीजिए, नहीं होते तो यही आंसर है। इसके बाद अपन चलते हैं एक और प्रश्न देखते हैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसमें कैसे क्या होगा, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अपन। प्रश्न है अगला, फ्रैक्शन नंबर ले लेते हैं, -3 से ही 1/2 * 2 से ही 1/2, इस तरह से कोई प्रश्न है, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। देखिए माइनस बाहर निकाल लेते हैं, फिर से इसको सोल्व करना, 3 × 2 = 6 + 1 = 7/2, ये इसको सोल्व कर लिया, * 9 × 2 = 18 और 1 = 19/9, बस कट होता है तो कट कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ बचा है 7 × 19/2 = 2 × 9, यहाँ बचा हुआ है, करें 7 × 9 = 63, 6 यहाँ से लिखा, 7 × 6 = 13, माइनस में थे ये, 1/2 = 18, यही इसका सॉल्यूशन है। अब चल चलते हैं अपन आगे, तो ऐसे ही भाग के निशान आएंगे, ये तो गुणा के निशान आए थे तो कैसे रिएक्ट किया अपन ने, सिंपल से हो गया, अब भाग का निशान आएगा इनके बीच में, इस जगह पे अगर भाग का निशान आ रहा है तो वो किस टाइप से सोल्व होगा उसके बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, देखते हैं फर्स्ट, -6/3/5, और देखो -27/5/-54/10, -54/10, इस टाइप से दो नंबर हैं, इनको देख लेते हैं। चलिए -6 डिवाइड का निशान आ गया है, तो अपन यहाँ से डिवाइड को सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई का साइन में, इसको चेंज करके, किसमें चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, जो डिवाइड के निशान के जस्ट आगे वाला नंबर है उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे या 1/2 कर देंगे, तो रिवर्स करते हैं इसको, 3/5 को क्या करेंगे, 5/3, अब कट कर लीजिए, 3 × 3 3 × 2 = 6, यहाँ से बचा -2 × 5 हो गया -10, इधर देखिए -27/5 है अपने पास पहले से, डिवाइड को फिर से किस में चेंज करना है अपने को, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, नंबर जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा अपने पास, तो ये -54/10 था, तो 10/-54, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, एक ही पद में दो बार माइनस आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कट कर लो, 5 × 5 = 5 × 10, 3 से कट करना है इनको, ये 2 × 2 = 2, आंसर कितना गया, 1 आ गया, क्यों ऊपर भी सभी जगह 1 है, नीचे भी सभी जगह 1 है। इसी टाइप से कुछ और नंबर ले लेते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद में सारा समझ में आ जाएगा। और देखिए 2/15 है, डिवाइड बाई -8/45, इसको कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं अपन, 2/15 डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाइड एंड द नंबर इज 1/नंबर या रिवर्स द नंबर, ये 45/-8 इस टाइप से हो जाएगा, 2 × 2, ठीक है, 4 × 2 = 8, यहाँ से 15 से कट कर लो, 15 × 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, तो ये -3/4, एक बार ही माइनस था पूरे पद में, तो ये माइनस आगे आ गया, ठीक है, इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, एक और लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर ले लेते हैं, -2 से ही 1/9 / 6 से ही 1/2, इसको सोल्व कर लेते हैं, -2 से ही 1/9 को सबसे पहले, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे दोनों ही नंबर में, सबसे बाद में दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, माइनस बाहर ले लिया, 9 × 2 = 18 और 1 = 19/9 डिवाइड बाई 9 × 6 = 54 और 1 = 55/9, बस अब इस निशान को अपन यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, जो भाग का निशान है इसको अब रिमूव कर लेते हैं ताकि सोल्व कर सकें अपन इसको, -19/9 डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाइड एंड द नंबर इज 1/नंबर और रिवर्स द नंबर, 9/55, चलिए सोल्व कर लीजिए, 9 से 9 कैंसिल आउट,
ये हो गया माइनस 19/55, सॉरी सर कट नहीं रहा है, अगर कट रहा होता तो और अपन इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक दो प्रश्न और करते हैं अपन, चलिए रब कर लेते हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं, चलो एक प्रश्न और करते हैं। जैसे कोई नंबर है 3/5 प्लस 7/10 प्लस माइनस 8/12 प्लस 4/3, ये कोई प्रश्न है, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। अभी संख्या तीन चार संख्या है, तीन चार पद है, ये हर एक अलग अलग पद है, एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद। सबसे पहले इस ब्रैकेट का हिसाब करते हैं, ये माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/5 प्लस 7/10 माइनस 8/12 प्लस 4/3। सभी का एक साथ ही एलसीएम ले लीजिए, एक साथ ही एलसीएम ले लीजिए, या फिर दो पदों का इधर ले लीजिए, दो पदों का इधर ले लीजिए, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं। चलो इनका ले लेते हैं, दो पदों का, दो दो पदों का करेंगे तब तो डायरेक्ट अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं इनको दो दो पदों में सेट कर लेता हूँ। यहाँ से इस माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, इस माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये आगे वाला नंबर प्लस में हो जाएगा, देखो यहाँ से, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, माइनस वापस खोलेंगे तो सही हो जाएगा, ये 12 है ना, एलसीएम कितना है 12, एलसीएम आया 12, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो तो कर लीजिए डायरेक्ट, 12 × 3 8 × 3 24 माइनस 12 × 4 48, हो गया सोल्व। इधर आ जाइए, 5 × 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 3 30 प्लस 5 × 7 35, बस हो गया सोल्व। ये तो हो गया 30 और 35 65/50 माइनस ये हो गया नीचे तो 36, 24 में से 48 गए तो कितना बचा, 24 बचा किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की थी, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस, दो माइनस आ रहे हैं इसलिए प्लस आ गया। अब सोल्व कर लीजिए इसको, कट हो रहे हैं तो कट भी कर लीजिए, सोल्व हो रहे हैं तो सोल्व कर लीजिए जैसे आपको उचित लगे। कट कर लेते हैं, थोड़ी संख्या बड़ी हो रही है, कट कर लेते हैं, 5 से कट करते हैं, ये 10 बार में और ये 5 × 5 = 15, 6 से इसको करते हैं, 6 × 24 6 × 6 = 36, और कट करना चाहो तो और हो जाएंगे, 2 × 4 2 × 3 6, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आया 13/10 प्लस 2/3। अब इसको सिंपली अपन सोल्व कर सकते हैं, 10 × 3 3 का 13 से 13 × 3 39 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 10 का 2 से मल्टीप्लाई 20, तो आ गया ये 59/30, यही इसका सॉल्यूशन। इस टाइप से अपन जो है अपने फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, ये अपना प्रोसेस है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे से आगे इन बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचवाएँ ताकि वो नवोदय सैनिक स्कूल की आगे से आगे तैयारी कर सकें, ठीक है, धन्यवाद।